ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पे आप लोग ऑथेंटिक हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट ऑफ इंडिया टू योर डोर स्टेप खरीद सकते हैं और आप डिलीवर हो जाएंगे आप तक तो इंडिया हैंडमेड पोर्टल ये एक पोर्टल का स्क्रीनशॉट मैं लेके आया था यहाँ पे आप देखिए कि ऐसा ये पोर्टल है यहाँ पे अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो होम एंड लिविंग विमेन मेन एंड फर्नीचर तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है इट इज एन ऑथेंटिक इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट वर्चुअल स्टोर वेयर आर्टिस वीवर्स ठीक है आर्टिस हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स है ना ये दो इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया है कौन कौन सी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी बायर्स थ्रू अ कॉमन प्लेटफॉर्म और यहां पर बायर आप लोग कोई भी हो सकता है राइट right? किसने किया ये इट हैज बिन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ठीक है तो ये ध्यान रखने की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नहीं है होम मिनिस्ट्री नहीं है है ना इस टाइप की मिनिस्ट्री नहीं है जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक उससे काम करती है ये वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स उसके अंडर ही आ रहा है इसके अलावा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड नहीं है, है ना ये सब ध्यान में रखना है ये आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि इन, इंडिया हैंडमेड पोर्टल इज अंडर विच मिनिस्ट्री यूपीएससी की ये uh, Uh, रही है टेंडेंसी पास्ट में डायरेक्टली मिनिस्ट्रीज पूछने की आई थिंक लास्ट ईयर भी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ऊपर एक शायद कोई सवाल आया था पर्टिकुलर तो स्कीम पूछी और उसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ना तो इस टाइप की स्कीम्स पूछ लेती है इस के, इस टाइम के के टाइप पोर्टल्स पूछ लेते हैं और यह भी पूछा जा सकता है है ना डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडिया हैंडमेड पोर्टल इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री इट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स व्हाट इट डज इज ब्रिंग्स ऑथेंटिक हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया टू योर डोर स्टेप

होम डेकोर राइट ज्वेलरी एक्सेसरीज एंड मोर ये हमने देख भी लिया था यहाँ पे लिखा हुआ है होम होम लिविंग लिविंग एंड मैन फर्नीचर है ना आप देख भी सकते हैं एक बार जाइए आप जरूर अपने जो लोकल आर्टिश हैं हमारे इंडिया के उनको हमें लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा और सपोर्ट भी क्या है ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं दीज प्रोडक्ट्स एक्चुअली कैन एनहेंस योर ऑफिस एंड होम स्पेस है ना अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये गुड वाइब्स लेके आते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स चलिए आगे चलते हैं देर विल बी ए सेफ एंड सिक्योर मल्टीपल पेमेंट गेटवेज फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शन एक्सपीरियंस है ना तो पेमेंट का कोई चक्कर नहीं है अलग अलग वेज से आप पे कर सकते हो हालांकि इस टाइप की चीज अब कॉमन सी हो गई है अभी जब आप जैसे आप लोग तो एस्पायरेंट्स हैं अलग अलग फॉर्म्स वगैरह भरते हैं आप देखोगे जो यूपीएससी के थ्रू पेपर हो रहे हैं उनके अंदर पेमेंट ऑप्शंस बहुत ही इजी हैं है ना वर्चुअल पेमेंट गेटवेज बन गए गे हैं वहां पे वहीं पे क्यूआर कोड आ जाता है वहीं पे आप स्कैन करते हो वहीं पे, पे पे करते हो तो ईज ऑफ पेमेंट कितनी ज्यादा बढ़ गई है अभी है ना तो वो यहां पे भी आपको देखने का मिलेगा फ्री हैंड होल्डिंग ऑफ सेलर्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टिल ऑर्डर फुलफिलमेंट टू एंश्योर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो मान लो किसी गांव में बैठे गई कि वहां से किसी ने कुछ बेचना है वहां का कोई लोकल प्रोडक्ट जो है वो बेचना है तो फ्री हैंड होल्डिंग है वहां पे रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है लास्ट भेजना कैसे है सब कुछ वो सारी चीजें यहां पे उनमें हेल्प मिलेगी देखो वो वाला पोर्टल का जो टॉपिक इतना ही है हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे इंक्रीज जो है वो हाईलाइट हो रही है दैट इज हमारी इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री दूसरी है हमारी इंडियन इंडस्ट्री तो इन दोनों के ऊपर हम शॉर्ट नोट देख लेते हैं है ना जैसे कि ये सेक्टर लगभग पंद्रह ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन को जो है हैंडलूम पंद्रह परसेंट ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन इन कंट्री इसके थ्रू कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है और नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ वर्ल्ड हैंड वोवन फेब्रिक कम्स फ्रॉम इंडिया तो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इसका सात दिन का फ्री ट्रायल आपके पास है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन यू गो एंड चेक इट आउट करंट अफेयर्स का मेन करंट अफेयर्स का कोर्स है फॉर प्री एंड मेन्स राइट ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्मेट दोनों में अवेलेबल है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको मान लो नहीं भी कंटिन्यू करना यू टेक सेवन डेज फ्री ट्रायल एट लीस्ट आपको ये पता लगेगा कि करंट अफेयर्स हैंडल कैसे करते हैं उन्हें पढ़ना कैसे है आइडेंटिफाई कैसे करना है एंड जो इंडिया के लीडर हैं दैट इज अभिमन्यू आई एस वो करंट अफेयर को कैसे टैकल करता है करंट अफेयर बहुत तंग करने वाला एक मॉड्यूल माना जाता है है नहीं है माना जाता है इस कोर्स के बाद में आपका वो ईज हो जाएगा सारा कि चलो ये करंट अफेयर्स एज अ मॉड्यूल हमारा डन है इसको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपके मल्टीपल न्यूज़पेपर्स, मल्टीपल सोर्सेस कवर हो जाते हैं और आपकी थिंकिंग डेवलप होती है जैसे पर्टिकुलर इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर जो है टू द पॉइंट के अंदर हम कर रहे हैं इस सीरीज का नाम ही टू द पॉइंट है तो यहां तो हम सीधी सीधी बात करते हैं कि यार ऐसा ये 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 हुआ है और इसके अंदर ये ये चीजें हैं इसमें थिंकिंग कम डेवलप होती है कि सोचना कैसे है अब इसको यूज कैसे करोगे कहीं पर है ना मेन्स के अंदर सबको पता है कि अगर आप करंट रेलिवेंट से आंसर लिखते हो है ना तो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलते हैं कई गुना मार्क्स मिलते हैं फ्रॉम uh, अगर आप सीधा प्लेन आंसर स्टैटिक्स आंसर अगर आप लिख के आ जाते हो जो कि कोई भी लिख सकता है राइट right? तो करंट रेलिवेंस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हर सब्जेक्ट के अंदर में। काफी ज्यादा स्कोर इंक्रीज हो जाता है विच मे बी अ डिफरेंस बिटवीन आपका लिस्ट में नाम आने और ना आने के बीच में राइट right? चलिए और इसकी जो स्ट्रेटेजी है दैट इज थ्री प्रॉग स्ट्रेटेजी नंबर वन यू गेट टू क्लासेस वीकली है ना सवा सवा डेढ़ घंटे की दो क्लासेस आपको मिलती है सैटर्डे एंड मंडे को एक क्लास होती है जिसके अंदर प्रीसीडिंग वीक के करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं और हम करंट अफेयर्स क्लास में कवर भी ऐसे करते हैं कि हमने रजिस्टर को छः पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है है ना इकोनॉमिक्स हिस्ट्री एंड कल्चर जोग्राफी इन्वायरमेंट इकोलॉजी साइंस एंड टेक मिसलेनियस मतलब इससे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया हुआ है और हम उसके अंदर ही लिखते हैं दैट मीन्स कि जब आप उसको मेन्स में यूज करना चाहोगे राइट right? तो बहुत इजी रहेगा आपको याद रहेगा कि अच्छा हिस्ट्री में ये ये हुआ है ये ये चीजें नई नई चीजें मिली हैं इकोनॉमिक्स में अच्छा ये ये करंट अफेयर रहे हैं तो अगर आप उसको इंटीग्रेट करना चाहो अपने इकोनॉमिक्स के आंसर में या इनफैक्ट किसी भी जीएस के आंसर में आप करन, यूज करना चाहो तो आपको रिविजन में भी ईजी हो जाता है और साल के लास्ट में आपके पास एक रजिस्टर बनता है है ना वो एक रजिस्टर के थ्रू ही आप जो है आपका पूरा करंट अफेयर कवर्ड होगा All over India, या तो किसी को वो सवाल नहीं आता होगा करंट अफेयर या के अंदर या फिर आपको आता होगा है ना ऐसा कुछ नहीं है कि वो उससे बाहर कुछ आएगा तो ये बहुत ही आ, holistic सी अप्रोच है जब हम इसके सेकेंड में यू गेट वन वीकली पीडीएफ आपके, आपके डैशबोर्ड के अंदर आपको एक वीकली पीडीएफ मिल जाती है अगेन हाईली क्यूरेटेड पीडीएफ मल्टीपल और दो बार चेक होने के बाद में कि क्या कंटेंट ये सही है ये रेलिवेंट है भी एक पीडीएफ फॉर्म होती है और इन दो के बाद में यू गेट अ वीकली टेस्ट एज वेल ठीक है तो ये जब आपके तीनों चीजें हो जाती हैं यू कैन बी एश्योर यू कैन बी श्योर अबाउट इट कि आपका करंट अफेयर जो है वो आपके यूपीएससी के लिए कवर हो चुका है इसके बाहर आपको जाने की जरूरत जो है वो नहीं है राइट right? चलिए और आपका सात दिन का फ्री ट्रायल है तो इनके से आपने नहीं भी कोर्स खरीद ना कुछ भी आपका है, पैसे वैसे है, को भी है, आप एक वरी ट्रायल लेके जरूर देखिए हो रहा है अभिमन्यू आई एस के थ्रू और ये इंस्टीट्यूट पिछले तेईस साल से यूपीएससी और पीसीएस की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इट गिवन आउट मोर देन पॉजिटिव रिजल्ट्स सिंस 1999 तो लीडर है इस फील्ड के अंदर राइट चलिए इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री सबसे पहले देखते हैं हैंडलूम बोलते किसको है इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ वीविंग क्लॉथ यूजिंग अ मैनुअली ऑपरेटेड लूम ठीक है मैनुअली ऑपरेटेड लूम पावर लूम नहीं मैनुअली ऑपरेटेड लूम उससे अगर कपड़ा बन रहा है तो वो उसको हम बोलते हैं इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री हैंडलूम वीविंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आफ्टर एग्रीकल्चर प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू थर्टी फाइव पॉइंट टू थ्री लाख वीवर्स एंड अलाइड वर्कर्स है ना तो ये आपकी जब हम इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि इंप्लायमेंट कितनों को पढ़ा दे रहा है ये कितनों को प्राप्त हो रही है इससे थर्टी फाइव पॉइंट टू थ्री लाख दिस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट नियरली फिफ्टीन परसेंट ऑफ द क्लॉथ प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटो ऑफ दी नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ दर्ल्ड हैंड ओवन फैब्रिक कम्स फ्रॉम इंडिया ठीक है इंडिया में जितना प्रोड्यूसर है पंद्रह परसेंट यह कपड़ा है और वर्ल्ड में जितना कपड़ा हैंडवोवन फैब्रिक यूज हो रहा है इंपोर्ट हो रहा है नाइनटी फाइव परसेंट इंडिया से आ रहा है ना तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट इंडिया का फैक्टर है इस इंडस्ट्री को आगे पुश करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ देम जो इसमें एम्प्लॉयड है वीवर्स सेवेंटी सेवन परसेंट ऑफ देम आर वुमेन है ना तो ये उस एंगल से भी इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज अ यूनिक हैंडलूम प्रोडक्ट है ना जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में हमारे पास फुलकारी है तो अगर आप किसी और स्टेट से देख रहे हो तो जरूर आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी स्टेट में मशहूर या यूनिक आपका हैंडलूम प्रोडक्ट कौन सा है और प्लीज आप जरूर इसको मेरे को कमेंट में बताइए मैं भी देखूंगी कहां कहां से व्यूज आ रहे हैं यहाँ पे तो उस हिसाब से हम लैंग्वेज को और थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं ताकि सारी स्टेट्स को बराबर समझ में आए आई कैन ऑल्सो गो कंप्लीटली इन इंग्लिश इन दी वीडियोज है, है ना तो इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर आप कमेंट के अंदर मैंशन कर सकते हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री ये भी देख लेते हैं हैंडीक्राफ्ट आइटम्स आइटम्स आर मेड बाय स्किल्ड यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स है ना इंडिया क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया वुडवेयर प्रोड्यूस कर रहा है आर्ट मेटल वेयर प्रोड्यूस कर रहा है हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स एम्ब्रॉयडर गुड्स जरी गुड्स इमिटेशन ज्वेलरी स्कल्पचर्स पॉट्री ग्लासवेयर अतर्स अगरबत्ती अतर्स या फिर जिसको हिंदी में कहा जाता है उर्दू में कहा इत्र है ना इत्र की बात हो रही है खुशबू जो होती है ना उसकी बात हो रही है द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया इज डोमेड बाई फीमेलोल उसमें कितना था 77 इसमें कितना है 56 तो वुमन इंपावरमेंट के एंगल से भी अगर कोई आंसर आप फॉर्म करना चाह रहे हो जैसे ये वाली चीजें हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं जो मैं आपको बता रहा था इसका सात दिन का फ्री ट्रायल है लिंक नीचे मिल जाएगा आपको इस टाइप की इंटरलिंकिंग अगर आप कर देते हो किसी आंसर के अंदर तो इट इज अ अली क्रिएटिव आंसर पढ़ने वाले को भी मजा आता है और उसमें लॉजिकल फ्लॉ नहीं होता है है ना अगर आपने डेटा कोट कर दिया कि मिनिस्ट्री का ही डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का डेटा है इतने परसेंट ऐसे करके है है ना और विमेन इसमें इतने परसेंट है राइट right? इस टाइप का को अगर कोई आप आंसर फॉर्म कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन के सवाल क्या है तो आप जो है अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली वो क्लास आपको उसके अंदर हेल्प करेगी दूस मी दंट्री है सेवन फोर्टी फोर हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स Employing nearly 2,12,000 artisans and offering over 35,000 products. Okay? India is one of the largest handicraft exporting countries and a clear leader in the homemade carpet segment, both in terms of volume and in terms of value. Okay? And major export destinations for India are USA, UK, then we have Australia, Canada, France, Germany, we have Italy. We have UAE, है ना? सारी वो कंट्रीज जहाँ पे वेल्दी ऑस्टेरिटी है थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑल राइट देट इज ऑल फॉर टूडे माई नेम इज रोहित गर्चा दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट यू आर वॉचिंग अभिमन्यू आई एस